पूरा देश कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन में है। हरियाणा सरकार लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता के भले के लिए कई कदम उठा रही है। इस क्रम में गुरुवार से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मिड डे मील उनके घरों में पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। कैथल के सरकारी स्कूल की साइंस टीचर हरजिंदर कौर ने बताया कि अभी इस योजना का लाभ छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। मिड डे मील के लाभपात्री विद्यार्थियों को एक किलो चावल और एक किलो आटा उनके घर पहुंचाया गया है। आइए जरा यह बात सुनते हैं। सरकार द्वारा कोविड को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं, पूरे शहर कैथल में लॉकडाउन हो चुका है और जो सरकारी स्कूलों के ऑलमोस्ट सभी स्कूलों के जो बच्चे हैं घर पर ही रह रहे हैं, उनको कोई राशन वगैरह की दिक्कत ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से घर पर ही बच्चों को मिड डे मील का राशन दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे पास जो एनरोल बच्चे होते हैं, पूरी लिस्ट होती है इंचार्जेस के पास उनकी, उसी लिस्ट को लेके उनके एड्रेस लेके हम उनके घर घर जाके ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कुछ बांटे? चावल दे रहे हैं बच्चों को, आटा दे रहे हैं बच्चों को एक एक किलो, जैसे हमें जो आदेश हो रहा है ऊपर से पैकेज बना के दिया जा रहा है, उसी हिसाब से हम दे रहे हैं। अभी आज से तो स्टार्ट ही किया है, जैसे अगले आदेश हमारे को जिस तरह से मिलेंगे उसी तरह से करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा सरकार की इस कोशिश के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।